झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक बिग ब्लेस, बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। देश में कुल 40% प्याज की आपूर्ति महाराष्ट्र से ही की जाती है। महाराष्ट्र देश में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, लेकिन वर्तमान में महाराष्ट्र में प्याज के किसान दाम को लेकर बड़े संकट का सामना कर रहे हैं। राज्य के किसानों के मुताबिक प्रति किलो प्याज उत्पादन की लागत 15 से 20 रुपए तक पहुंच गई है, जबकि मौजूदा समय में राज्य के अलग अलग मंडियों में किसान प्याज न्यूनतम 1 रुपए से लेकर अधिकतम 10 रुपए तक बेचने को मजबूर हैं। प्याज के दामों में भारी गिरावट के कई प्रमुख कारण हैं, जिनमें से सबसे बड़ा कारण है इस साल प्याज की पैदावार अच्छी हुई है। वहीं इसकी कीमत में गिरावट का एक अन्य कारण है कि पहले किसान सीमित संख्या में प्याज की खेती किया करते थे, लेकिन अब प्याज की खेती करने वाले किसानों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। बीते 10 सालों का इतिहास बताता है कि राज्य में मंडी समिति की संख्या में इजाफा हुआ है। महाराष्ट्र में स्टोरेज की एक बड़ी समस्या है। सही स्टोरेज ना मिलने पर प्याज की क्वालिटी पर असर पड़ता है। अगर प्याज की क्वालिटी अच्छी हो तो आज भी बाजार और मंडियों में किसानों को अच्छी कीमत मिल जाती है। अच्छी क्वालिटी की प्याज 12 से 14 रुपए प्रति किलो खरीदी जाती है, मीडियम क्वालिटी 8 से 10 रुपए और लो क्वालिटी 5 से 6 रुपए प्रति किलो तक खरीदी जाती है। रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी। आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक बिग ब्लेस, बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।